दानापुर में बिहार बार काउंसिल के सदस्य पद के प्रत्याशी सह अधिवक्ता संघ के वरीय अधिवक्ता शिव कुमार यादव ने सोमवार को अधिवक्ताओं के साथ जनसंपर्क चलाया। श्री यादव ने घूम घूम कर अधिवक्ताओं से अपने पक्ष में वरीयता के आधार पर वोट देने की मांग की। श्री यादव ने बताया कि 2015 में बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के राजाध्यक्ष थे और 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए थे, जिस पर मुख्यमंत्री ने वेलफेयर स्टाम्प को 5 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया और वेलफेयर स्टाम्प आज 25 रुपये में बिक रहे हैं। श्री यादव ने अधिवक्ता कल्याण का कार्य किया है और आगे भी करना चाहते हैं। अधिवक्ताओं से अपील किया है कि बार काउंसिल के सदस्य बनाने के लिए बाद अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए आवाज़ उठाएंगे। सभी अधिवक्ताओं ने वोट देने की अपील की है। हाँ बताया जाए सर, किस तरह का ये कैंपेनिंग चल रही है? दिनांक 20/12/23 को बिहार बार काउंसिल का चुनाव होने वाला है, जिसमें 25 सदस्य होते हैं। 25 सदस्य के पद पर चुनाव की प्रक्रिया जारी है और 20/12/23 को चुनाव संपन्न है, जिसमें मैं कैंडिडेट हूँ शिव कुमार यादव, अधिवक्ता दानापुर, मेरा सीरियल नंबर 64। मैं जीत करके गया, मुझे पूरा भरोसा है कि जीत करके गया तो मैं अधिवक्ता कल्याण की बात निश्चित रूप से बिहार बार काउंसिल के समक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष, बिहार सरकार के समक्ष और केंद्र सरकार के समक्ष अधिवक्ताओं की पीड़ा, अधिवक्ताओं की दर्द निश्चित रूप से रखूंगा। 2015 में मैं अधिवक्ताओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को घेराव किया था, क्योंकि उस समय बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के राज्याध्यक्ष थे। जब 5 सूत्री मांगों को लेकर के हमने घेराव किया था, जिसमें 1 सूत्री मांग 2 दिनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कंसीडर किया गया, वो मांग था वेलफेयर स्टाम्प जो अधिवक्ता का होता है, उस समय 5 रुपये में वेलफेयर स्टाम्प बिकता था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत 15 रुपया किया, उससे लाखों में करोड़ों में अधिवक्ताओं को लाभ मिला है। किस तरह का रिस्पांस मिले थे जब आप कैंपेनिंग कर रहे थे? मैं कैंडिडेट हूँ, आपका क्वेश्चन टेक्निकल है, मैं कैंडिडेट हूँ लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि पूरे बिहार राज्य के अधिवक्ता भाई एवं बहनों का जो हमको प्यार मिल रहा है, जो हमको सहयोग मिल रहा है, उससे हमको लगता है कि कहीं से इशारा मिल रहा है कि हमारी जीत निश्चित रूप से होगी। इसलिए मैं पूरे बिहार राज्य के भाई एवं बहनों अधिवक्ता को आभारी हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और हृदय से धन्यवाद। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हमारे शिव कुमार बाबू 64 नंबर सीरियल नंबर 64 ये काफी टाइम से संघर्ष करते रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पे संघर्ष करते रहे अधिवक्ताओं के हक के लिए। जैसे कोरोना काल था उस समय भी हम अधिवक्ताओं के लिए उनके दुख सुख में खड़े होना, उसके बाद स्टाम्प के लिए जब स्टाम्प 15 रुपया हम लोग मतलब इनके संघर्ष के बाद हुआ, इस तरह की कई तरह की जो योगदान रहती है उसमें ये बढ़ चढ़ के खड़े होते हैं और हम लोग अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए लहर तो शिव कुमार बाबू के ही पक्ष में है। जी जी बिल्कुल, और हम लोग कई जगह कई बार में घूमे हैं तो यही हम लोग को लगा है कि लहर शिव कुमार बाबू 64 नंबर सीरियल नंबर 64 के लिए ही है और उन्हीं के पक्ष में होगा, उनकी जीत निश्चित है। अपना परिचय दीजिए। जी मैं अधिवक्ता अन्नपूर्णा कुमारी, पटना हाईकोर्ट।